मेरे चैनल बोलती कहानियां बाय ममता भट्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी मन रही होगी। मेरी भी दिवाली बहुत अच्छी मन रही है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं उत्तराखंड में दिवाली कैसे मनाई जाती है, लक्ष्मी माँ को कैसे सजाया जाता है, घर में स्थापित किया जाता है, वो सब बताऊंगी। तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है और अब उनको मैं पूरा प्रॉपर एक व्लॉग बना के आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो इसमें दोस्तों एक बहुत अच्छी मैं कथा सुन रही थी आज दिन में बैठे बैठे, जब मेरे पास थोड़ा सा खाली समय था। तो उस कथा में एक बहुत अच्छा और प्यारा सा प्रश्न उठा दिवाली को लेके। किसी ने ये पूछा कि अगर दिवाली प्रभु राम का त्योहार है, प्रभु राम के अयोध्या वापस आने का त्योहार है, तो फिर इसमें लक्ष्मी और गणेश जी को क्यों बैठाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न था, मेरे लिए भी इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतने सालों से दिवाली मना रही हूँ लेकिन मैंने खुद कभी सोचा ही नहीं। भगवान है, भगवान को रखा जाता है, बस मैं यहीं तक अपनी सोच मैंने रखी हुई थी। लेकिन क्या होता है ना, निरंतर ज्ञान प्राप्त करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, तो आज वही ज्ञान मेरा बढ़ा। तो उसमें ये कहा जाता है कि जब राम जी वनवास के लिए निकले तो वो दशरथ पुत्र राम थे, यानी कि एक यंग लड़के थे, बच्चे थे, नई नई शादी हुई थी उनको उनकी, हालांकि वो उस उम्र के हिसाब से भी बहुत मैच्योर थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने 14 वर्ष निकाले वहां वन में, और जो जो उनके साथ हुआ, जो जो घटनाएं हुई, जो जो अच्छा हुआ, जो जो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उसको जिस तरह से उन्होंने टैकल किया, जिस तरह से उन्होंने उसमें काम किया, हनुमान जी आए, जिन अच्छे अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, विभीषण से भी उनकी मुलाकात हुई, अंत ये था कि अयोध्या आने से पहले वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन चुके थे, इतने स्ट्रांग हो चुके थे। अब वो राजा बनने के लिए अयोध्या में वापस आ रहे थे, अब उनका राज्याभिषेक होना था। तो सबसे आशीर्वाद पाने के लिए कहते हैं प्रभु राम ने लक्ष्मी माँ की पूजा करनी शुरू की, क्योंकि लक्ष्मी माँ मतलब धन, वैभव और प्रसिद्धि। यानी कि जब धन आपके पास आता है, जब लक्ष्मी माँ आपके ऊपर उनकी कृपा होती है, तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। तो कहते हैं लक्ष्मी माँ की उन्होंने पूजा की और गणेश प्रभु जो है वो तो उनके साथ ही आ रहे थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हम हिंदुओं में ये, सनातनियों में ये माना जाता है कि हम कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले बिना गणेश भगवान की स्तुति किए आगे नहीं बढ़ते। तो उन्होंने भी जब अयोध्या की तरफ अपनी जर्नी शुरू की, वापस आने लगे, तो प्रभु गणेश को पूजा करी, प्रभु गणेश तो उनके साथ ही चल पड़े और लक्ष्मी माँ का उन्होंने आह्वान किया। और इसीलिए जब हम आज के दिन प्रभु राम की पूजा करते हैं, उनके आने के लिए पटाखे जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, लोगों से मिलना जुलना करते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे और देख पाएंगे कि सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में, और भारत क्या, अब तो विदेशों में भी जितने भारतीय हैं वो वहाँ विदेशियों के साथ, वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ हमारी दिवाली के त्यौहार को कितनी सुंदरता से मनाते हैं। क्या करें, दिवाली का त्यौहार है ही कुछ ऐसा, अमावस्या के दिन आपके जिंदगी में उजाला कर दे, इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए। चलिए फिर आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा, आइए मेरे साथ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने पूजा की तैयारियाँ। तो ये ब्रास की थाल है जिसमें मैं हमेशा हर कोई पूजा करती हूँ, भगवान को इन्हीं में स्थापित करती हूँ। तो ये गन्ने जो मैं लेके आई थी, गन्नों को मैंने बांध लिया है। बांधने के बाद में इनका ट्रायंगल शेप बनता है, लाल कपड़ा बिछा कर अब इसमें मैंने गन्ने को रखा और फिर उसमें लक्ष्मी माँ का मुखौटा फिट कर दिया जाता है। खूबसूरत हंसती हुई माँ लक्ष्मी। और उसके बाद उस थाली में मैं बिछा रही हूँ खील वगैरह, क्योंकि ये खेती से रिलेटेड है। अब बारी आती है माँ के वस्त्रों की। तो ये घाघरा मैं कल खरीद के लाई माँ के लिए, लाल रंग का। तो अब माँ को हम चलिए वस्त्र धारण करवाते हैं
और ये पहन लिया माँ ने अपना घाघरा खूबसूरत सा लाल रंग का, और इसी के ऊपर हम उनकी चुनरी को भी डालेंगे। अब क्योंकि माँ पहाड़ी हैं, उत्तराखंड की हैं, तो अब आएगा फाइनल टच, इसमें आ गया ऊपर से पिछौड़ा, और उसके बाद आगे गणेश और लक्ष्मी जी को रखने के बाद घड़े में खील बतासे रख दिए हैं, खिलौना भी रख दिया है मैंने, और एक साइड में परफ्यूम की बॉटल है रोज़ की, इत्र की, जिसको आप साल भर फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैंने प्रसाद की एक और टेबल लगाई और उस पर सारे अभी फल रखे हैं और दिए की तैयारी कर दी है, और वो जो दो खाली थाली है उनमें आएंगे बड़े और पुए। ये कौड़ियाँ होती हैं, ये लक्ष्मी माँ को चढ़ती हैं, तो इसलिए इनको भी मैंने गंगा जल से स्नान करा के भगवान के आगे रख दिया है। बड़े पुए मेरे बन गए हैं, इनकी मेकिंग मैं अभी आगे दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये पुए हैं पहले, फिर ये बड़े हैं उड़द की दाल के, और इस तरफ ये बेसन की मिठाई है, और अभी ड्राई फ्रूट रखना बाकी है। तो इस तरह से मेरी सारी तैयारी पूरी हो गई। 7:40 से पहले मुझे पूजा को, आरती को करना है। तो अभी देखिए आप कितनी खूबसूरत लग रही है ना लक्ष्मी माँ, देखिए कितनी खूबसूरत, बिल्कुल नई दुल्हन, बहुत प्यारी बड़ी सी बिंदी के साथ। तो आइए अब उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं। रात को भिगा लिया था और सुबह पीस के इसमें थोड़े से मैंने मसाले डाले, और पानी का हाथ लगाना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ जब बड़े बनते हैं ना तो शगुन के लिए उनमें एक छेद किया जाता है, बिना छेद का बड़ा हमारे यहाँ नहीं बनाया जाता। तो ये टेक्निक मैंने पता नहीं किसी से तो सीखी, और इस तरीके से जो है मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो बड़े बनाने शुरू किए, जितने बड़े बन पाए वन बाय वन मैं इन बड़ों को बना रही हूँ। अब बारी आएगी पुए की, तो पुए में मैंने सूजी, केला, सौंफ, इलायची थोड़ी सी कूट के, है ना, और दही के साथ इसको ऐड करके थोड़ा सा मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रखा। फिर जब ये थोड़े फूल गए तो अब जाके जो है इनको फिर मैं पानी का हाथ लगाऊंगी, और एक एक करके इनको जो है सेम तेल में, आप पहले नमकीन वाला बना लीजिए फिर मीठा, क्योंकि ना इसमें मीठा वो डला होता है चीनी का पाउडर, तो फिर वो तेल भी मीठा हो जाता है, तो इसलिए मीठे को बाद में बनाइए। ये बना लिया, पूरे सारे बन गए, और अब बारी आती है मेरे तैयार होने की। तो कन्फ्यूज़ हूँ, बहुत सारी साड़ियाँ निकाल रही हूँ, लाल, गुलाबी, गोल्डन, और सब निकाल के जैसे रेडी होने लगी अचानक मुझे याद आया कि अरे हैदराबाद गई थी तो मम्मी ने मुझे साड़ी दी थी, तो क्यों ना उस साड़ी का उद्घाटन किया जाए। तो और ये एक अच्छी खूबसूरत गोल्डन कलर की साड़ी है, तो मैंने इस साड़ी को ही फाइनल किया, और अब मैं ढूंढ रही हूँ बाकी इसके साथ पहनने वाली बिंदियाँ। तो आप बताओ, मैंने तो ये लास्ट में जो पिंक कलर की बिंदी है इसको फाइनल कर लिया है, ये बिंदी मैं लगाने वाली, ये वाली, ठीक है, पसंद आ रही है आपको। अब थोड़ा सा ज्वेलरी भी पहननी पड़ेगी, तो मैंने अपने कड़े निकाल लिए हैं, साथ में कुछ अंगूठियाँ हैं और कान के निकाल लिए हैं, सिंपल सा बनना चाहती हूँ आज। तो ये सब मैं अभी धारण करके अब हम आ गए आरती के टाइम पे। तो इस बार क्योंकि यज्ञ मेरे साथ है, तो मैंने यज्ञ को बोला कि भाई चल इस बार सारी पूजा तेरे हाथ से होगी, मैं साइड में हूँ। तो बच्चों में इसी तरीके से आपको संस्कार डालने पड़ते हैं, तो वो एक एक करके दिया जला रहा है, और पांच मुखी दिया है जो अब निरंतर जलता रहेगा 3 दिन तक। उसके बाद उसने ड्राइंग रूम में फूलों के बीच में एक दिए को रखा खूबसूरती के लिए, अब वो धूप जला रहा है अच्छे से। धूप को उसने लगाने के बाद में अगरबत्ती ले ली, और अब एक एक करके उसने बोला मम्मी 3 नहीं लगाऊंगा, 4 अगरबत्ती लगाऊंगा। तो 4 अगरबत्तियां जो हैं वो उनको लगाने की ये तैयारी कर रहा है। तो केला रखा हुआ है, केले को बेस बनाकर उनमें वो अगरबत्ती लगाने जा रहा है बहुत ही खूबसूरती से। तो इस तरीके से कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं पूजा के। अब आई बारी आरती की, तो हमने कपूर से इस बार आरती की, पूरे घर को सुंदर भी बना, एक खुशबू आ जाती पूरे घर में। फिर हमने पानी वाले दियों का इस्तेमाल किया, तो पहले 2 दिए जला के मैंने उसको बोला कि क्योंकि ना बाहर क्या हो रहा है, बारिश की वजह से बहुत हवा चल रही है, तो दिए नहीं टिक पा रहे हैं किसी के भी, तो मैक्सिमम लोगों ने इस बार पानी के दिए, और ये मेरी बनाई हुई ऐपड़ है, तो 2 दिए हमने बाहर बालकनी में, मतलब देहली में रख दिए हैं, और सामने वालों का घर भी बहुत खूबसूरत सजा हुआ है, अभी उनसे भी मिलने जाऊँगी। और फिर बारी आई मेरी आरती की,
तो मैंने बहुत अच्छी पीछे से आरती लगाई हुई थी, लेकिन कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं वो आरती आपको सुना नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लक्ष्मी माँ की आरती गा रही हूँ और घंटी भी साथ में बजा रही हूँ। अब भगवान को आरती देने के बाद खुद को ले रही हूँ, और ये सब आप सब लोगों के लिए और यज्ञ के लिए। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरती का समय हो गया है, 7:40 तक का मुहूर्त था, तो हमने अपनी आरती कर ली है, और आप सबको लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिले, और आप सबके ऊपर लक्ष्मी माँ की बहुत बहुत कृपा रहे। आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, और आशा करती हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छी हो। प्लीज आज दिवाली के दिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा चैनल आगे बढ़ता रहे। नमस्कार।